यूपी के बरेली में नवाबगंज थाना क्षेत्र में प्रधानी का चुनाव हारने के गम में एक प्रधान प्रत्याशी ने बाल बालिकाओं को नचाया। इस मौके पर प्रधान प्रत्याशियों ने बाल बालिकाओं के साथ जमकर डांस किया। इसी दौरान किसी शख्स ने डांस पार्टी का वीडियो बनाकर वीडियो वायरल कर दिया। अब यह वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक यह मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव पुरा का है, जहां प्रधान प्रत्याशी ने अपने समर्थकों को स्ट्रेस कम करने के लिए डांस पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सभी बालिकाओं ने जमकर डांस किया। एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव हिमपुरा में एक परिवार द्वारा डांस पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं ने डांस किया था। पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। फिलहाल परिवार कहीं फरार हो गया है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये थाना नवाबगंज के अंतर्गत एक हिमकरा गांव पड़ता है, जो थाने से 20-22 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक परिवार के द्वारा वहां पर महिलाओं को बुलाकर डांस करवाया जा रहा था। इस पूरे प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद पुलिस के द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा 5 नामजद लोगों के ऊपर दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। अभी सभी लोग घर से फरार हैं और जल्दी उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।